सब वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों क्लास ट्वेल्थ के चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आ गए हैं और पिछले वीडियो में काफी बोरिंग टॉपिक खत्म किया आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इजी और चोनू-मोनू सा होने वाला है प्लस इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके जेईई नीट में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम सबसे पहली प्रॉपर्टी मतलब हम लोग यहां पर अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं आपके आपके डी ब्लॉक एलिमेंट की की ट्रांजिशनल मेटल्स और जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझाना शुरू करता हूं बट बिफोर दैट एक छोटा सा अपडेट ग्रेविटी सर्कल चैनल को आप देख जरूर रहे हो पर शायद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और अगर सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे तो गाइज थोड़ा सा इस चैनल को देख लो ध्यान में रखो दूसरा अपना चैनल मृत्युंजय पंड्या जिस पर मैं बहुत सारी ट्रिक्स वीडियोस बना रहा हूँ और तीसरा हम लोगों ने बायोलॉजी लॉन्च किया तो गाइज इन तीनों चैनल को आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में पटक लो काम में आएगी चीज है ठीक है चलो बैक टू टॉपिक बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की प्यारे बच्चों देखो क्या होता है जैसे मान लो ये आपके एटम का न्यूक्लियस है लुक ये क्या है आपके एटम का न्यूक्लियस है अब इमेजिन करो इस एटम के न्यूक्लियस के आसपास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के आसपास एक ही ऑर्बिटल में है बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल दोनों सेम ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो हम लोग ऐसा डब्बा बनाते हैं ना डब्बा तो मान लो ये थ्री डी एक्स है तो इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा मानो समझ मारी बात आपको थ्री डी वाई अलग होगा थ्री डी जेड अलग होगा या थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड थ्री डी जेड एक्स ऐसा होता है ना उसमें से ये एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मानना है आपको अब गई ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली भांगड़ा करते हैं कैसे तुड़ुक तुड़ुक ओ तुड़ुक तुड़ुक ओ तुड़ुक तुड़ुक ओ तारा रा तुड़ुक तुड़ुक ओ तुड़ुक तुड़ुक ओ तुड़ुक तुड़ुक ओ तारा रा मतलब क्या तुड़ुक 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 समझ रहे हो मतलब ये ऐसे भी घूम रहे हैं और ये ऐसे भी घूम रहे हैं ऐसे भी घूम रहे हैं। समझ रहे हो बात को मतलब यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन दो तरीके का, का मूवमेंट शो कर रहे हैं पहला मूवमेंट ऑन देयर ओन एक्सिस अपने एक्सिस पर घूम रहे ला 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 समझ रहे हो और एक ये इस तरीके से न्यूक्लियस के आसपास भी घूम रहा है समझ में आ रही है बात आपको तो एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली दो टाइप का मूवमेंट शो करता है जब ये न्यूक्लियस के आसपास शो करता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट या मूवमेंट और जब ये अपने खुद के एक्सिस पर घूमता है इसको बोलते हैं एक्जियल एंगुलर मूवमेंट या मोमेंट बोल लो समझ में आ रही है बात आपको अब ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ऐसे घूम रहा है मतलब ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो एक्जियल एंगुलर मोमेंट होगा वो कैसा चल रहा होगा क्लॉकवाइज क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को हर इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह होता है हर इलेक्ट्रॉन एक टाइनी एक बहुत छोटा सा मैग्नेट होता है एक बहुत स्मॉल सा मैग्नेट होता है और जब ये अपने आसपास और ऑर्बिटल मूवमेंट करता है इट क्रिएट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करता है ये अपने आसपास एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है समझ में आ रही है लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर एक सेम ऑर्बिटल में अगर एक सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन एन ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है यानी अगर आपके पास में एक डब्बा है और उस डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ऊपर और एक नीचे क्यों बताते है? ये इनकी एक्जियल स्पिन को बताते हैं एक का एक्जियल स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है लाइकवाइज इसको बताना होता है तो अगर आप इसका प्लस हाफ लिख रहे हो तो आपको इसका माइनस हाफ लिखना पड़ेगा या तो अगर आप इसको प्लस हाफ कंसिडर कर रहे हो तो आपको इसको माइनस हाफ कंसिडर करना होगा मतलब यहां पर प्लस माइनस कोई मैथमेटिकल साइन नहीं है बस ये अपोजिट साइन को बताता है ये अपोजिट मूवमेंट को बताता है तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये दोनों पेयर्ड है एक ही ऑर्बिटल में तो एक का स्पिन प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ तो नेट स्पिन क्या हो जाएगा प्लस हाफ माइनस ऑफ जीरो एक टाइनी मैग्नेट ने दूसरे टाइनी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट एंड इक्वल होने की वजह से कैंसल कर दिया इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा ये कैंसल हो जाएगा और इस वजह से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्या यह बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों क्या यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है आप लोगों को तो हमेशा ध्यान रखना आगे आने वाले जितने एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा वहां पर मैं हमेशा लगातार एक बात बोलूंगा कि इस एलिमेंट के अंदर या इस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आपके मन में यह पिक्चर आनी चाहिए कि न्यूक्लियस के आसपास वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल में घूम रहे हैं एक अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो एक अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉक वाइस घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में टाइनी मैग्नेट होता है तो एक एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है एक क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है दोनों एक साथ होने की वजह से एक दूसरे के स्पिन को कैंसल कर रहे हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं और इस वजह से इस ऑर्बिटल के द्वारा इस ऑर्बिटल में बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो गया मतलब अब यहां पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की ताकत नहीं रही लेकिन अगर इसके अलावा इमेजिन करो यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो या तो स्पिन प्लस हाफ होता या तो ये स्पिन को आप माइनस हाफ कंसीडर करते तो यहां पर आपका जो नेट स्पिन होता वो प्लस हाफ माइनस हाफ आता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कैंसिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कैंसिल करने के लिए यहां पर अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पूरा राज किसका है इस इलेक्ट्रॉन का तो ये टाइनी इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा जो कैंसिल नहीं होगा मतलब अब ये एटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की ताकत रखेगा क्या ये बेसिक बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों क्या ये बेसिक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया आप लोगों को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लो देख लो ठीक गाइस, कोई परेशानी इसके अंदर चलो सुपर, अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट नाम वैसे तो मेरे प्यारे प्यारे और मेरे गुलगुलों ने और मेरा देशवासियों ने इस चीज का अच्छे तरीके से पढ़ रखा है सॉलिड स्टेट्स के अंदर लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों तेज चले तुम बड़े तेज हो रहे थे क्यों सर सॉलिड स्टेट में नए सिलेबस के हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हटा दी डी ब्लॉक में से हटा नहीं अब क्या करोगे अब डी ब्लॉक में तो झक मरा के पढ़ना पड़ेगा एन टी एस सी वाले ये जेई वाले ये नीट वाले मतलब ओवरऑल ये एन टी ए वाले ये एनसीआर टी वाले सी बी एस सी वाले बड़े तेज हैं। इनको मालूम है वहां हटा दो यहाँ पढ़ना पड़ेगा तो ले देखे बच्चा पढ़ सारी चीज रहा है समझ रहे हो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप समझो इनके खेल को समझो तो गाइस पढ़ना तो सब पड़ेगा पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है चलो पहले टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भाई पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है इनके अंदर दी सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर फोर दे आर स्ट्रांगली दे आर स्ट्रांगली डिविएटेड डिएटेड नहीं लिखना हो तो अफेक्टेड लिख लो बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे बिहेवस एज अ मैग्नेट दे बिहेव एज अ मैग्नेट यानी जब जब इनके सामने मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाएगी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर बहुत घार, घारा क्या होता है बे? गहरा असर होता है क्या बोल रहा है तो क्या बोल रहा है बेवड़ा है क्या हाँ तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं यानी इन सबस्टेंसेस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है सो so, ओवरऑल इनके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से अनपेयर्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अकेला होगा ऑर्बिटल में यानी आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जब भी बनाओगे तो किसी ना किसी ऑर्बिटल में आपको यह पिक्चर देखने को मिलेगी तो इसके स्पिन को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है लेकिन कब जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे पड़े पड़े लोगों को खींचना नहीं चालू कर देगा ये आपको इसके लिए क्या लगानी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी दूसरी एक टर्म आती है इसी के अंदर आती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक और टर्म आती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्यारे बच्चों दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग these are very strongly affected by magnetic field and they keep on behaving like a magnet they keep on behaving like a magnet even after मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव यानी ऊपर वाले में क्या था जब मैग्नेटिक फील्ड होगी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी तब ये मैग्नेट है हटा दी नॉर्मल हो गए लेकिन पैरा मैग्नेटिक टाइप वालों का एक स्पेशल टाइप आता है जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑब्वियसली इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और काफी ज्यादा होते हैं और ये इतने ज्यादा खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद अफेक्ट हो जाते हैं कि ये अपने आप को मैग्नेट ही समझने लग जाते हैं फिर और ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटिक रह जाते हैं मतलब दे बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट दे बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट की तरह ये बिहेव करना चालू कर देते हैं एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर द एग्जैंपल एंड एग्जाम्पल है फेकोनी फेकोनी अबे आयरन कोबाल्ट निकल फेकोनी ये लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं एंड दे ऑलवेज दे ऑलवेज बिहेव एज अ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस तो एक बात ध्यान रखना दुनिया के सारे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक नहीं होते लेकिन जितने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो सब पैरा मैग्नेटिक की क्लास में आ सकते हैं पैरा मैग्नेटिक का सीधा सा फंडा होता है इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यह मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं यह मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो सकते हैं लेकिन फेरोमैग्नेटिक एक ऐसी स्पेशल क्लास है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आ गई तो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी लेकिन ये इतनी ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है उस मैग्नेटिक फील्ड से कि जब मैग्नेटिक फील्ड हटेगी इनके सामने से तो भी ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता रहेगा मतलब अगर आपको आयरन कोबाल्ट और निकल को मैग्नेट बनाना है चुंबक बनाना है तो इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे कैसे दो बड़े बड़े मैग्नेट लो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल दोनों मैग्नेट को पास लाओ तो वो खींचेंगे दूसरे को चिपकाने की कोशिश करेंगे और उनको एक डिस्टेंस पर रख लो मतलब आपको फील होना चाहिए कि खींच रहे हैं अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन पकड़ के रखो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया है अब बीच में आयरन का छोटा सा एक टुकड़ा ले आओ और उसको बीच में रख दो और बस उसको बहुत देर तक वहां पर रखो कुछ देर बाद वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है समझ में आ रही है बात आपको तो ये होते हैं आपके पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जरा फटाफट से इसके फोटो खींचो तो खींच मेरी फोटो अरे मेरा बोलो प्यार प्यार बच्चो इसके फोटो तो ले लो चलो आगे बढ़े बहुत बढ़िया तीसरा नाम इंपॉर्टेंट नाम जिसका नाम है सेस डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस द नेम इन्सेस डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसिस अब प्यारे बच्चों डाय वर्ड में डायड में ही डाय है तो डाय का मतलब क्या है डाय का मतलब क्या होता है पेयर्ड पेयर्ड मतलब की टू मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे लाल लव कैसे होंगे पेयर्ड यहां पर आपको हमेशा कैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है दे आर नॉट और वी कैन से पुअरली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड विल नॉट बिहेव एस मैग्नेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये लोग मना कर समझ में आ रही प्यारे बच्चों चलो जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे की बात करते हैं इतना नोट करो ओके okay, मेरे प्यारे प्यारे मेरे बूजू बूजू ये चलो सो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में समझ जाए लेकिन अब ये कैसे पता करें कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा और करेगा तो कितनी करेगा क्योंकि भाई एक इंसान मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अफेक्ट हो रहा है और दूसरा भी हो रहा है लेकिन क्या दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का तरीका सेम होगा या एक का ज्यादा एक का कम होगा कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम अफेक्ट होगा कौन कितना ज्यादा मैग्नेटिक कौन कितना कम मैग्नेटिक होगा तो यह पता लगाने के लिए हमारे पास में टर्म आती है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोला जाता है प्यारे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट इसको डिनोट किया जाता है म्यू से मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू प्यारे बच्चों इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू अंडर रूट एन एन प्लस टू यारे बच्चो आपको यह फॉर्मूला यूज करना होगा हमेशा जब कभी भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाले दैट इज म्यू इज इक्वल टू एन अंडर रूट में एन प्लस टू और यहां पर इसकी यूनिट होती है बी एम यहां पर मैं आपको सब कुछ बताता हूं म्यू आप लोग सब समझ गए मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी आपके सब्सटेंस के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वहीं पर ये जो बीएम होता है ना प्यारे बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटॉन या बोर्स मैग्नेटॉन बोर्स मैग्नेटॉन आपको एक बात में बता दूं हमेशा ध्यान रखना अगर आपको वन बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकालनी है तो इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है e -H divided by 4 pi ये हम लोग अटोमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं बट मैं आपको समझा देता हूँ ई e का मतलब क्या होता है इट इज अ चार्ज किसका वो आपके इलेक्ट्रॉन का भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कूलम्स वॉट इज एच यह प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता सी जिसकी वैल्यू होती सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड और जी पुत्रो एम का मतलब बोले तो मास और जी केंडा मास और जी इलेक्ट्रॉन दास दा और जी ये कितना होता है नाइन पॉइंट वन टू टेन टू पावर माइनस थर्टी वन के जी और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट जी और वेलोसिटी ऑफ़ लाइट की वैल्यू की होंगी थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड होंगी जी तो प्यारे बच्चों जब आप ये सारी वैल्यूज यहां पर पुटअप करोगे जब आप ये सारी वैल्यूज यहां पर पुटअप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू नाइन पॉइंट टू सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर और गाइस इसकी यूनिट आप लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर वन बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है ठीक है कोई दिक्कत तो ये यूनिट है आप इतनी बड़ी वैल्यू को अगर यहां पर लिखोगे तो क्या मतलब है इसलिए बोर ने बोला कि एक काम करो आप इतनी बड़ी वैल्यू को और ये पूरी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की है एक इलेक्ट्रॉन उसका मास कितना प्लैंक्स कांस्टेंट कितना वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी और फोर पाई इसकी ये वैल्यू आ रही है तो इतनी बड़ी वैल्यू हर बार यहां लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई करना हर बार इसके साथ लिखना बेवकूफी है तो उसने बोला आप एक काम करो वन बोर मैग्नेटॉन को आप डायरेक्ट बीएम से लिख दो आपका काम हो जाएगा तो अगर आपके म्यू की वैल्यू जीरो होती है इसका यही मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, नंबर ऑफ वनपेड इलेक्ट्रॉन आर जीरो मतलब सब्सटेंस कैसा है फॉर श्योर sure, डाय मैग्नेटिक होगा और अगर म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है मतलब यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है मतलब वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा वो डेफिनेटली पैरा मैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत चलो नोट करो इसको फिर अपन स्केंडियम से लेकर जिंक तक की म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कौन डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक है और कौन पैरा मैग्नेटिक है नोट इट डाउन गाइस कूल चलो आगे बढ़े बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेने के बाद अब हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में जो थ्री सीरीज़ के आपके एलिमेंट्स हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अब हम लोग समझने के लिए पूरी तरीके से रेडी है अब गाइज़ देखो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलूंगा और ये एग्जाम्पल्स इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे जैसे अगर आपके पास में स्कैंडियम थ्री पॉजिटिव है अटोमिक नंबर ट्वेंटी वन तो प्यारे बच्चों वी ऑल नो कि इसके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं जीरो आप चाहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखिएगा फोर एस टू थ्री डी वन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और ये डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होने से अच्छा है ये इसको खाली कर दे और 3s 3p को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना ले तो ये पूरी तरीके से जीरो हो जाता है सो so स्कैंडियम के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होने की वजह से इसके म्यू की वैल्यू भी जीरो हो जाती है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो तो इसकी प्रॉपर्टी आप क्या कहेंगे इट इज डायमैग्नेटिक क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों अच्छा स्कैंडियम के बाद आपके पास में आता है टाइटेनियम डाय पॉजिटिव फॉर्म में अब गाइस जब आप टाइटेनियम की बात करते हो तो टाइटेनियम में 4s में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं लेकिन इसके 3d में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं तो अब टाइटेनियम पर ड इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आप जरा वैल्यू रखिए अंडर रूट टू टू प्लस टू सो टू प्लस टू फोर फोर टू जान एट अब प्यारे बच्चों एक रखना अगर ये अंडर रूट नाइन होता तो मैं इसको थ्री लिख देता लेकिन ये अंडर रूट एट है मतलब यह थ्री से थोड़ा छोटा होगा तो अप्रोक्सीमेटली इसको आप टू पॉइंट एट सेवन मान सकते हो और क्योंकि म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है मतलब यह क्या है पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंसेज है टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम इसके अंदर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम डायपोजिटिव के अंदर चार एम एन के अंदर पांच और फिर आयरन डायपॉजिटिव से ये नंबर वापस से कम होना स्टार्ट हो जाता है समझ में आ रही बात आप लोगों को कोबाल्ट डाय पॉजिटिव के अंदर थ्री नंबर ऑफ वनपेड इलेक्ट्रॉन्स फोर थ्री देन आपके निकेल डाय पॉजिटिव के अंदर वापस से टू सी यू डाय पॉजिटिव के अंदर आपका वन और लास्ट में मैं यहां लिख देता हूं जेड एन डाय पॉजिटिव के अंदर जीरो यानी आप देखो जीरो फिर टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन अच्छा आप लोगों को किसी किसी किताब में स्केंडियम का ये वाला फॉर्म भी लिखा हुआ होता है जहां पर इसके पास में नंबर ऑफ वन पेड इलेक्ट्रॉन वन होते हैं अंडर अंडर रूट रूट के हिसाब से से यानी यानी क्योंकि थोड़ा छोटा है इसका मतलब आपको वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली वन पॉइंट सेवन के आसपास मिलेगी और यह एक तरीके का पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस होगा लेकिन हम लोग सब जानते हैं स्केंडियम डायपॉजिटिव में होता कहां है भाई आपको बुक के अंदर दे रखा है बट आप ऐसा कोई सा कंपाउंड नहीं देख पाते ना जिसमें स्कैंडियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में हो लेकिन आपको अगर सभी को डाई पॉजिटिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो स्कैंडियम बुक में दे दिया जाता है लेकिन मेरी बात मानो तो ट्राई पॉजिटिव हमेशा याद रखना ये ज्यादा जरूरी है चलो वेनेडियम में थ्री है तो अंडर रूट थ्री थ्री प्लस तीन और दो पांच पांच थी या भाई अगर ये सोलह होता तो चार लिखता तो चार से थोड़ा छोटा है तो मैंने इसको थ्री पॉइंट एट मान लिया क्रोमियम नंबर ऑफ वन पे इलेक्ट्रॉन चार चार प्लस दो चार प्लस दो छोक चौबीस हिंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ मजा आता है सो फोर पॉइंट एट के आसपास आप इसको मान लो इट इज ऑल्सो पैरा देन अगर अपन बात करें मैगनीस फाइव प्लस टू सेवन फाइव सा थर्टी फाइव अंडर रूट थर्टी फाइव सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स हो सकता है तो इसको सिक्स से थोड़ा छोटा मान लो फाइव पॉइंट एट मान लो इसको पैरा फिर आयरन में देखो वही अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर है तो फोर पॉइंट एट पैरा मैग्नेटिक थ्री है तो थ्री का जैसा इसका भी यही हो जाएगा थ्री पॉइंट एट के आसपास पैरा टू है तो टू के जैसा इसका भी हो जाएगा टू पॉइंट एट के आसपास पैरा वन है तो वन के जैसा इसका भी हो जाएगा वन पॉइंट सेवन, सेवन सेवन पैरा और इसमें जीरो है तो इसके म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो मतलब ये क्या हो जाएगा डाय मैग्नेटिक तो आप देखो स्केंडियम ट्राई पॉजिटिव और जिंक पॉजिटिव ये दो लोग ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेव करेंगे इन देयर ऑक्सीडाइज फॉर्म और इनको छोड़कर बाकी सारे पैरा मैग्नेटिक जिसमें एम एन क्रोमियम आयरन कोबाल्ट और वेनेडियम वेनेडियम क्रोमियम आयरन कोबाल्ट यानी ये 3.8 तक के ये काफी ज्यादा मे, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं आप देखो तो दे आर मोर इंफ्लुएंस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड जब इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाओगे तो ये ज्यादा इंफ्लुएंस होंगे वहीं जिंक और स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव किसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट शो नहीं करेगा क्या बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिस इज योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी आपको बहुत इजी टॉपिक है आराम से इसका ले लीजिए इसको नोट कर लीजिए वैल्यूज अंडर रूट वाली याद कर लो ज्यादा बेहतर है ये वाली याद कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बस आपको पूरा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है हमेशा ध्यान रखना इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ही हमको पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है मैं हमेशा कहता हूं डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन आप भले ही लास्ट में फिल कर रहे हो डी के अंदर लेकिन निकालना पहले एस से पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर डी में इलेक्ट्रॉन रखना तो, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं टेक लुक ओके okay, प्यारे प्यारे लाल लो मेरे बच्चों छोटे छोटे गुल्लो आगे बढ़े चलो तो क्या पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने के बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वेनेवर यू ऑब्जर्व दिस ट्रांजिशनल एलिमेंट दे ऑलवेज फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड तो अगली प्रॉपर्टी इज देयर कलर अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी कलर कलर का आप लोग एक सब हेडिंग डालेंगे दैट द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड यानी यहां पर हम लोग यह देखने वाले हैं कि जब कभी भी आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट यानी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं मतलब हम यहां पर वापस से जैसे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में उनके ऑक्सीडेशन नंबर देखे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि जिंक मेरे पास में डाय पॉजिटिव फॉर्म में है तो क्या मतलब था इस बात का इस बात का यह मतलब था कि जिंक क्लोराइड के फॉर्म में होगा जिंक सल्फेट के फॉर्म में होगा जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होगा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में होगा इन सभी कंपाउंड में जिंक के ऊपर यू आर ऑब्जर्विंग प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ रही बात आप लोगों को तो इन सब कंपाउंड में जिंक की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी क्यों क्योंकि जिंक के अंदर डी डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल पूरी पूरी तरीके तरीके से से फिल्ड है पूरी तरीके से पेर्ड है है पेयर्ड समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां पर कोई इंडिविजुअल एटम की बात नहीं कर रहे हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं कब जब वो एक कंपाउंड बना लेता है मतलब जब वो चार्ज एक्वायर कर लेता है तो यहां पर कलर्ड कंपाउंड्स और यहां पर आप कुछ बुक्स में आयंस भी देख सकते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाय ट्रांजिशनल एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाय ट्रांजिशनल एलिमेंट शोज मैग्नेटिक बिहेवियर तो दोनों का जवाब क्या होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्यारे बच्चों इसका भी जवाब क्या है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई ट्रांजिशनल एलिमेंट्स अपने आयनिक फॉर्म में अपने कंपाउंड के फॉर्म में मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो कर रहे थे बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर क्यों शो कर रहे अगेन बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकिन वहां पर जवाब मतलब वहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का रीजन अलग था यहां पर रीजन कुछ और है। यहां पर मैं आपको रीजन समझाता हूं देखो मैं आपके पास में एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं मेरे पास में कंपाउंड है टी आई एच टू ओ होल सिक्स और सी एल थ्री ये मेरे पास में कंपाउंड है क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरे पास में यह कंपाउंड है बेटा इस तरीके के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं हम लोग अगला चैप्टर पूरा इन्हीं के ऊपर सीखने वाले हैं इस तरीके के कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं यहां पर इस पूरे वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो माना जाता है टाइटेनियम का हमने माना एक्स वाटर तुम्हारे पास में कितना है सिक्स भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता जीरो हो गया प्लस एक क्लोरीन का आप लोगों को बचपन से मालूम है माइनस थ्री क्लोरीन आपके पास में है थ्री ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू तो जीरो तो एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू तो जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस थ्री यानी इस कंपाउंड में टाइटेनियम आपके पास में प्लस थ्री फॉर्म में अवेलेबल है टाइटेनियम आपके पास में प्लस थ्री फॉर्म में अवेलेबल है टाइटेनियम जिसका अटोमिक्वेंटी थ्री होता है scandium, titanium, vanadium, यहाँ पर आपके पास में अटोमिक नंबर ट्वेंटी टू के साथ होता है तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाएंगे तो वो बनेगा फोर एस टू थ्री डी टू और जब आप इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन तो फोर एस ऑर्बिटल से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इसके थ्री डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा दे आर फोर आप यहां पर लिख सकते हैं that it have one electron. इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां पर उसके थ्री डी ऑर्बिटल के अंदर उसके थ्री डी ऑर्बिटल के अंदर क्या यह बात समझ में आ रही है अब और समझना जब कभी भी आपका कोई ट्रांजिशनल एलिमेंट इस तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है उस पर एक तो ये क्लोरीन अटैक कर रहा है और एक ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है ओवरऑल तीन क्लोरीन और छह पानी के मॉलिक्यूल उस पर क्या कर रहे हैं अटैक कर रहे हैं इन्हें बोला जाता है लिगेंड्स अभी सिर्फ नाम समझ लो पूरी डिटेल अगले चैप्टर में सिखाऊंगा इनको क्या बोला जाता है लिगेंड्स और बेटा जब ये लिगेंड्स आपके सेंट्रल एटम पर अटैक करते हैं आप सब ये बात जान चुके हो आप सब ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इसका डी ऑर्बिटल इस प्रकार स्प्लिट कर जाता है और नीचे आपको मिलते हैं तीन डब्बे जिसको आप टी टू जी बोलते हो और ऊपर आपको मिलते हैं दो डब्बे जिनको आप लोग ई जी बोलते हो ये तीनों थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड और थ्री डी जेड एक्स जैसे तीनों एक एक्सिस पर होने वाले होते हैं और ये होता है थ्री डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वायर और थ्री डी जेड स्क्वायर समझ मारी बात तो यहां पर आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया और हम लोग सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पाया जाएगा ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी वाले में पाया जाएगा मतलब थ्री डी जब टूटेगा तो ये ऊपर बनाने का मतलब है इनकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है तो ये लोअर एनर्जी में रहेगा अब क्या होगा जब ये बनेगा, जब ये 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 कंपाउंड कंपाउंड बनेगा बनेगा तो ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में से अपने आसपास में से विजिबल रीजन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जॉर्ब करेगा और जब ये रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगा जो आपके चारों तरफ मौजूद है जब ये अपने एक्वस फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में जब कभी भी आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये क्या करेगा अपने आसपास से से रेडिएशन करेगा और इस रेडिएशन को करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पर ईजी फॉर्म में चला जाएगा यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया एक्साइट फॉर्म में चला गया एक्साइटेड हो गया समझ में आ रही बात आपको इसने क्या करा इसने अब्जॉर्ब करा रेडिएशन विजिबल रीजन में से जो येलो कलर का है यानी इसने येलो कलर का रेडिएशन करा और जब ये वापस से सारी एनर्जी इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसने अब्जॉर्ब करी है जब ये वो एनर्जी रिलीज करेगा और वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा यानी जब वापस से डी एक्साइट हो जाएगा तो ये यहां से एनर्जी रिलीज करेगा तो बेटा ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है ये उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर ये उसका कुछ कॉम्प्लीमेंटरी कलर रिलीज करेगा जो समर्ट पर्पल के आसपास होगा पर्पल या वॉयलेट के आसपास होगा तो आपको ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना ये आपको वॉयलेट या मैं कहूं पर्पल कलर का दिखेगा वॉयलेट पर्पल कलर का आपको ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो आप बड़े आराम से देखकर बता सकते हो कि ये कलर कंपाउंड क्यों बना रहा है टाइटेनियम क्योंकि टाइटेनियम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास सराउंडिंग में से पीले रंग की रोशनी अब्सॉर्ब करता है जो उसके इलेक्ट्रॉन को टी टू जी से एक्साइट करके इजी में ले जाती है और फिर वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो का क्या होता है वॉयलेट पर्पल समझ में आ रही बात आपको तो इस रीजन की वजह से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको क्या शो करते हैं कलर शो करते हैं प्लीज इसको फटाफट नोट कर लीजिए ओके okay? चलो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने इतना अच्छे तरीके से देख लिया है तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई साहब अगर डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ही मजा आएगा वरना मजा नहीं आएगा चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई मजा आ गया इस चीज में अब आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को ना एक कलर चार्ट पढ़ा देता हूँ मतलब आप लोगों को आ, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसका आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर का आप लोगों को मैं एक पैटर्न सिखा देता हूँ देखो आपको पता है सात कलर होते हैं वॉयलेट इंडिगो और ब्लू ऑलमोस्ट सेम शेड के होते हैं तो आप वॉयलेट और इंडिगो के वॉयलेट और ब्लू के बीच का इंडिगो मान लो वैसे उसको ना लिखो तो भी चलेगा इंडिगो को छोड़ दो क्योंकि वो वॉयलेट और ब्लू जैसा ही होता है तो वॉयलेट एक अलग कलर है ब्लू तो वॉयलेट इंडिगो खा गए हम लोग ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड So guys, ये छह कलर आपको याद रखने। अब बस क्या करना है अगर किसी ने येलो रीजन की लाइट अब्जॉर्ब करी है अगर किसी ने ऐसी लाइट एब्जॉर्ब करी है जो येलो रीजन की है तो प्यारे बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर लगभग वॉयलेट शेड का होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो आपको डेफिनेटली वॉयलेट दिखाई देगा सिमिलरली अगर आपने ऑरेंज कलर की लाइट ऑब्जॉर्ब करी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू और अगर किसी ने रेड कलर की लाइट ऑब्जॉर्ब करी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन सिमिलरली अगर किसी ने वॉयलेट कलर की लाइट ऑब्जॉर्ब तो करी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो किसी ने ब्लू कलर की ऑब्जॉर्ब करी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज और अगर किसी ने ग्रीन कलर की लाइट ऑब्जॉर्ब करी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसे सिखाया था कि आपका जो टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव है वो येलो रीजन की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है वो येलो रीजन की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको कुछ पर्पल मिल रहा है पर्पल या सम वॉट वॉयलेट बोल सकते हो सो बेसिकली येलो कलर की लाइट ऑब्जॉर्ब करने से कॉम्प्लीमेंट्री कलर कुछ येलो रेड के बीच का मिला आई मीन वॉयलेट रेड के बीच का मिला इसी को मिलाने से कुछ पर्पल कलर का शेड आता है ऑरेंज रेड वॉयलेट मिला दो तो कुछ पर्पल शेड आता है तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखना है ये हमेशा एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते इस पॉइंट को क्योंकि वॉयलेट के भी बहुत सारे शेड होते हैं ब्लू के भी बहुत सारे शेड होते हैं बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका फटाफट -फड़ से फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं जो कलरलेस रहेंगे ठीक है और आपका आज का क्लास अपन खत्म करेंगे फिर बची हुई बाकी की प्रॉपर्टी जैसे अलॉय फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन ऑक्सो एनायन वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो इसकी अगली क्लास में प्रॉपर्टी उसकी अगली दो क्लासेस में एक में के टू सी आर टू ओ सेवन एक में के एम एन ओ फोर और उसकी अगली क्लास में एक्टेनोइट सीरीज और लेंथे सीरीज मतलब आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली दो दो चार और एक पाँच अगले पाँच लेक्चर में ये वीडियो पाँच लेक्चर और डालूंगा मैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट फिर बस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बचेगा वो भी छोटा चैप्टर यानी अक्टूबर एंड होते होते तुम्हारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक मेरी तरफ से कंप्लीट एक वॉल्यूम पूरा कंप्लीट एक वॉल्यूम और बचेगा उसके भी चार चैप्टर इंपॉर्टेंट है अल्टीहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस हेलोअल्किन ईथर उसके बाद करो सब हलुए सब हलुए ठीक है बस इन चार चैप्टर के जल में तो वो पूरा अपन नवंबर दिसंबर में निपटा लेंगे ठीक है चलो सो गाइज इफ यू हैव स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव देन अगर आपके पास में टाइटेनियम फोर पॉजिटिव ठीक है वेनेडियम साइंस टीचर वेरी क्रूअल ओके और जिंक डाई पॉजिटिव और भी एक एग्जाम्पल देखा था मैंने वो क्या था कॉपर पॉजिटिव यस कॉपर पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव तो अगर हम इन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाए तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा फोर एस जीरो थ्री डी जीरो इसका अगर बनाए तो इसका अटोमिक नंबर साइंस टीच ट्वेंटी टू होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फोर एस टू थ्री डी टू होता है चार इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये भी जीरो ये भी जीरो जिंक का तो फोर एस जीरो और थ्री डी टेन होता है और आपके कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फोर एस वन थ्री डी टेन होता है कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये तो अब यहां पर देखो इन तीन इन दो के अंदर डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है ये खाली और इनकेस में सब खाली तो इन सारे केसेस में यू हैव जीरो नंबर ऑफ या वैसा लिख सकते हो नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर ज़ीरो तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ज़ीरो है तो क्या इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करेगा ये पूरा ही खाली है इन दोनों केसेस में अगर आपका डी ऑर्बिटल आप स्प्लिट करते भी हो तो या तो खाली होगा या तो पूरा भरा हुआ होगा नीचे दो वाले केस में तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जंप नहीं करेगा सो देयर फोर ये हमेशा आप लोगों को कलरलेस कंपाउंड ही बनाकर देंगे अगर आपके ये चार पॉइंट आपको याद हो गए तो आपका काम मस्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाओ और इनका कलर निपटाओ अब एक एनसीआरटी में टेबल दे रखी है किसका क्या कलर होगा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको बस ये याद रखना है कि कौन कलर देगा कौन कलर नहीं देगा और इसके पीछे क्या रीजन है ठीक है

दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रेविटी सर्कल एंड ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी और मृत्युंजय पंड्या चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एंड कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बाय है ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों